वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप अपने किचन को कैसे डेकोरेट रख सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, वो भी डीआईवाई चीज़ों से। हम लोग घर पे बहुत सारे वेस्ट चीज़ें होती है जो हम फेंक देते हैं, कार्डबोर्ड हो गए, प्लास्टिक के बॉक्सेज हो गए, इन सारी चीज़ों को हम लोग फेंक देते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं वो वेस्ट है। बट मैं आपको सिखाने वाली हूँ आप उन वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अगर मैं किचन की बात करूँ तो किचन में सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग वहीं पर रहते हैं एंड किचन में सबसे ज़्यादा सामान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप उनको ऑर्गेनाइज ना रखें तो किचन बहुत मैसी नज़र आता है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं नज़र आता है एंड आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगने लग जाता है। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है, चाहे स्पाइस बॉक्स हो या फिर स्पून हो, कुछ भी हो आपको नहीं मिलता है, तो आप खाना बना रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पर लग जाता है। ऑर्गेनाइज रखेंगे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट से काम हो जाएंगे एंड किचन भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। सो सिमसिम पर अभी बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज स्टार्ट हुई है डेको स्टाइलिंग मंत्र, वहाँ पर आप सीख सकते हैं आप अपने घर को कैसे डेकोरेट रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज एंड डेकोरेट रख सकते हैं एंड प्लस आपको वहां पे और भी चीजें मिल जाएगी, आप अपने लिविंग रूम एंड बेडरूम को कैसे डेकोरेट एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाने वाली हूं जिसमें आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही क्यूट क्यूट सी एंड कलरफुल सी चीजें बनाई है अपने किचन के लिए, जो आप भी बना सकते हैं अपने किचन के लिए, अपने किचन को डेकोरेट रख सकते हैं। सो चलिए इसे देख लीजिए। जब हम लोग किचन में काम करते हैं अगर वो ऑर्गेनाइज ना रहे या साफ़ सुथरा ना रहे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है एंड हमें वहाँ पे काम करने में भी मज़ा नहीं आता है एंड प्लस ये हाइजीन की तरह से भी अच्छा नहीं है क्योंकि किचन आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए एंड प्लस ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सो सिमसिम डेको स्टाइलिंग मंत्र सीरीज़ में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कैसे आप किचन कप होल्डर बना सकते हैं एंड ये जो कप होल्डर ये बहुत ही कलरफुल है एंड आपकी किचन की शोभा बढ़ाएगा। इसमें आप स्पून स्पैचुला भी हैंग कर सकते हैं जो कि और भी ज़्यादा यूज़फुल है एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप सीख सकते हैं मसाला रैक बनाना जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम छोटे छोटे मसाला जो बॉक्सेस होती है उसको पीछे रख देते हैं, वो इजीली नहीं मिलता है हमें, तो इस तरीके से अगर आप अपने मसाला जार्स को स्टोर करते हैं तो वो बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आते हैं, मेनटेन नज़र आते हैं। आप सीख सकते हैं कैसे आप बहुत ही कलरफुल से स्पून स्पैचुला एंड फोक होल्डर बना सकते हैं। इन तीनों साइड पे आप अलग अलग स्पून या स्पैचुला या फोक रखें या अपना जो है कोई भी दूसरी करछी भी रख सकते हैं आप, जिससे आपको इजीली सारी चीज़ें मिल जाए एंड दिखने में भी अच्छी लगे एंड सबसे ज़्यादा हाइजीन अगर आपको मेंटेन रखनी है तो आप सीख सकते हैं ये क्यूट सा सिंक स्पॉन्ज स्टेनर बनाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सिंक के स्पॉन्ज को हमेशा क्लीन रखें क्योंकि वो आपके हाइजीन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो है ना ये कितने क्यूट से एंड कलरफुल से DIYs जो आप भी ईजीली अपने घर की चीज़ों से बना सकते हैं। सो आप लोगों ने देखा गाइस कितना ज़्यादा कलरफुल एंड क्यूट सी चीज़ें अपने किचन के लिए मैंने बनाई हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप आप भी सीख सकते हैं। आपको बस सिंपली जो लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिमसिम ऐप ही उसे डाउनलोड कीजिए एंड उसी के नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप जितने भी चीज़ें मैंने बनाई है उनकी भी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। आप एक एक लिंक क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली सिमसिम ऐप में वहीं पहुँच जाएंगे एंड आप ईजिली सीख सकते हैं अपने किचन को कैसे डेकोरेट करना है एंड ऑर्गेनाइज रखना है। सो जल्दी से जाइए सिमसिम ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए बनाना सीखिए स्पून स्पैचुला होल्डर एंड प्लस आप बना सकते हैं किचन कप होल्डर, स्पाइस रैक बना सकते हैं एंड क्यूट सा आपको स्पॉन्ज स्ट्रेनर भी बनाना है तो आप वो भी सीख सकते हैं। एंड सीरियसली गाइस ये बहुत ज़्यादा इजी है बनाना एंड अभी लॉकडाउन के टाइम पे पैसे भी आपके खर्च नहीं होंगे, आप अपने किचन को बिना पैसे खर्च के वेस्ट चीज़ों से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं एंड प्लस आपका जो लॉकडाउन में वेस्ट टाइम आप ऐसे बोर हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बना के आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखिए। आज के लिए इतना ही, आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आप मुझे सिमसिम ऐप पर फॉलो नहीं करते तो जल्दी से जाइए वहाँ फॉलो कीजिए मुझे एंड प्लस आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, वहाँ पर अभी नई फीचर स्टार्ट हुई है, आप मुझे कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।